हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं किसी भी एप्लीकेशन का रिव्यू नहीं करने वाला। इस वीडियो में दोस्तों मैं काफी खूबसूरत हेडफोन का रिव्यू करने वाला हूं। और ये जो हेडफोन है दोस्तों हमारे पास आया है एनवेंट की तरफ से और इसका नाम है एनवेंट मोक्षा। और इसमें दोस्तों आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये हेडफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या इससे बेहतर हेडफोन आपको मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे और भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि इस हेडफोन में आपको क्या क्या खास चीजें देखने मिल जाएंगी। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो सबसे पहले यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एनवेंट की आपको ब्रांडिंग दी गई है, यहां पर मोक्षा लिखा गया है, साथ ही में नीचे लिखा गया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो ये चीज काफी मुझे अच्छी लगी है कि इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाता है। यानी दोस्तों अगर आपने मान के चलिए हेडफोन लगा रखा है और बाहर में डीजे भी बज रहा है तो भी दोस्तों आपको हेडफोन में सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई देगा, बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बॉक्स पे देखें तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया ब्लूटूथ 4.1, इसमें आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है। और साथ ही में अगर बात करें चार्जिंग टाइम की तो इसमें 3 घंटे लग जाते हैं इसे चार्ज होने में, और जो चार्जिंग केबल है वो है माइक्रो यूएसबी। ब्लूटूथ रेंज की बात करें तो 10 मीटर है। बैटरी टाइप की बात करें तो इसमें लिथियम पॉलीमर की बैटरी दी गई है जो 320 एमएच की इसमें दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स पे इसकी एमआरपी कितनी दी गई है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स पे इसकी एमआरपी जो है वह है 9,990 रुपए, यानी तकरीबन 10,000 का इसमें बताया गया है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो कितने का आपको मिलेगा ये सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या सब देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस हेडफोन को तकरीबन मैं 2 दिन से यूज कर रहा हूं, इसी कारण दोस्तों मैं इसके बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से बता पाऊंगा। तो यहां पर हम इसे ओपन कर लेते हैं, मैं पहले से इसे अनबॉक्स कर चुका था। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी कंपनी एक बॉक्स भी दे पाती है। क्योंकि अगर आपको एक बॉक्स मिल जाता है तो आपको जो फोन है उसकी लाइफ काफी गुना बढ़ जाती है। तो यहां पर चलिए हम देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स की क्वालिटी है ये भी काफी अच्छी दी गई है। इस प्रकार के बॉक्स को अगर आप अलग से परचेज करते हो तो तकरीबन आपको 1200 से 1500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर ये आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके चेक कर लेते हैं और जानते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या सब देखने को मिल जाता है। तो यहां पर मैं इसके जिपर को अनबॉक्स कर लेता हूं और यहां पर हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर एक मैनुअल देखने को मिल जाता है। तो इस मैनुअल को आप जरूर से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इस मैनुअल में काफी सारे इंफॉर्मेशन होती है जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो इस मैनुअल को आप जरूर से रीड कर लीजिएगा। चलिए हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपको अपना एक खूबसूरत सा हेडफोन देखने को मिल जाता है, जिसकी जो पैकेजिंग है, बिल्ड क्वालिटी है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक्सेसरीज बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी तरीके से यहां पर रखा गया है। यहां पर अगर हम इसे ओपन करके देखें तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर आपको डुअल ऑडियो का जैक दिया गया है। अगर हम बात करें इसमें और क्या-क्या चीजें हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 3.5 इंच जैक दिया गया है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा गजब की क्वालिटी है। उसको जब आप टच करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो इसकी क्वालिटी है वो कितनी गजब की दी गई है। अगर हम और भी चीजों की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक बड़ा सा 3.5 इंच जैक दिया गया है, जिसे आप अपने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम और भी एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको एक चार्जिंग केबल भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज है ये खाने की चीज नहीं होती, इससे कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं, इसी कारण इसे आप अपने बॉक्स में यूज करिएगा। ठीक है, बॉक्स को चलिए हम साइड में रख देते हैं कुछ देर के लिए और बात करते हैं हेडफोन की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा खूबसूरत सा हेडफोन हमारे पास आ चुका है। इसकी जो ये प्रोटेक्शन है मैं इसे हटा देता हूँ, इस तरीके से हम इसे निकाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो खूबसूरत सा हेडफोन है वो हमारे सामने नजर आ चुका है, और इसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवेंट की ब्रांडिंग दी गई है। और यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो कहीं से भी ये चीप नहीं लगता। जब दोस्तों आप इसे हाथ में फील करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए, गानों को आगे पीछे करने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बटन है, जब आपको लगे कि आप किसी भीड़भाड़ इलाके में हो या फिर शोर शराबे वाले इलाके में हो तब दोस्तों आप इसे इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं भी ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया गया है, जिससे हम ब्लूटूथ को ऑन कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्ले पॉज का बटन है इसको आपको 3 सेकंड तक इस तरीके से दबा के रखना है, और जैसे दोस्तों आप इसे दबाएंगे तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे ये जो हमारा ब्लूटूथ है पूरी तरीके से पेयर होने के लिए ऑन हो चुका है, और यहीं से दोस्तों आप इसे ऑफ भी कर पाओगे। तो इस
तरीके से आपको यहां से यूज करना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया गया है। यहां से दोस्तों आप अपने 3.5 mm जैक को कनेक्ट कर सकते हैं और इसे बिना ब्लूटूथ के भी यूज कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर इसकी बैटरी दी गई होगी और यहां पर इसका ब्लूटूथ जो भी सर्किट है वो दिया गया होगा, और इसको इस तरीके से आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आपका सिर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है तो इस तरीके से आप एक्सटेंड करके भी इसे यूज कर सकते हैं। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी गजब की है, एकदम कुशनिंग काफी सॉफ्ट है, और यहां पर इसकी भी जो कुशनिंग की क्वालिटी है वो भी काफी सॉफ्ट आपको मिलने वाली है। इसे आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, और इसे इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। यहाँ पर हेडफोन है वो काफी गजब का है। इसे मैंने अपने 2 दिन से अपने फोन के साथ यूज किया है तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया। इसे मैंने अपने लैपटॉप के साथ भी और कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट करके यूज किया था तो वहां पर भी दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी इंप्रेसिव मुझे देखने को मिली थी। तो अगर मैं बात करूं उसके प्राइस की तो ये जो हेडफोन है ये आपको तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपए तक के बीच का मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि क्या आपको 5,500 से 6,000 में ये हेडफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5,500 और 6,000 के बजट में इससे बढ़िया हेडफोन आपको कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। जी हां दोस्तों, वैसे तो मार्केट में काफी सारी कंपनी है जैसे ब्लूडू करके कंपनियां हैं, वो भी आपको 3,500 से 3,500 की इस रेंज में आपको दे देंगी, लेकिन इस जैसी क्वालिटी मुझे नहीं लगता दे पाएंगी, और इस टाइप का बॉक्स तो आपको कोई भी कंपनी इस प्राइस पॉइंट पे नहीं दे रहा। तो दोस्तों बस यही एक छोटा सा रिव्यू था जो मुझे आपको बताना था। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये हेडफोन प्लस वीडियो दोनों ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक ठोकिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।